अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे रमज़ान के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन। तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ें निकाल दी है जो मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डेकोर मैंने जो स्प्रिंग के लिए किया था वो थोड़ा सा मैंने रिमूव कर दिया है ताकि मैं रमज़ान का डेकोर कर सकूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने निकाल के रखी है, तो उसके साथ हम करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के कुछ रमज़ान डेकोरेशन थे वो मैं यूज़ करूँगी, ज़्यादातर वही है। एक दो चीज़ों को मैंने नए बाई किया है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने जो लैंटर्न रखा है वो न्यू बाय हैं। तो ये डिफरेंट साइज़ के दो लैंटर्न हैं जो मैंने एक्शन से लिया, तो गोल्डन में है और ये काफ़ी अच्छे हैं। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो ये काफ़ी मुझे अच्छे लगे हैं। तो मैंने रमज़ान के लिए इसको मैंने बाय किया था। तो इस वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि वही डेकोर वगैरह है, तो इसको आप वैसे ही इंजॉय करें। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट में बताएं। तो इस वजह से मैं जो चीज़ अगर मुझे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करना है या बताना है तभी मैं कोई चीज़ को आपको बताऊँगी, अदरवाइज़ आप म्यूज़िक के साथ इसको इंजॉय करें। तो ये वाला जो डेकोर पीस आपको नज़र आ रहा है ये मैंने प्राइमार्क से लिया था। तो ये क्रिसमस के डेकोर का एक पीस है, तो जो इस पे स्टार्स वगैरह है तो इसके अंदर मैंने लाइट लगाई है, तो जो रमज़ान में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, कुछ इस तरह से ये है। तो इस वजह से मैं इसको रमज़ान में यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो इसको हम इसमें ट्रे में रख लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको क्रिसमस के जो डेकोर होते हैं उसमें भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ रमज़ान का डेकोर नहीं मिलता है। तो मैं अक्सर क्रिसमस के वो डेकोर देखती हूँ जो मुझे रमज़ान में काम आ सके, तो इसलिए मैंने इसको लिया था। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है।
ऑलमोस्ट हमारा सारा डेकोर हो चुका है, एक लास्ट पीस बच गया है जो मैं यहाँ पर डोर पे हैंग करूँगी। तो ये भी मैंने प्राइमर्क से लिया था, तो ये भी मैं क्रिसमस के डेकोर से लिया था मैंने, तो ये इसको मैं डोर पे हैंग कर दूँगी कुछ इस तरह से। और इसी के साथ मेरा रमज़ान का डेकोर हो गया है कम्प्लीट। तो जो भी मैंने चीज़ें थी जो प्रीवियस ईयर में मैंने यूज़ की थी, वो भी सारी चीज़ों को मैंने यूज़ किया, जैसे कि आपने देखा ही होगा। तो ये था मेरा रमज़ान का डेकोर। आई होप आपको इससे कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। अगर आइडिया मिले हैं या फिर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।